पता चल गया मुझे कि लोग इतने टेरेस पे क्यों रहते हैं। और जो लोग पतंग नहीं उड़ाते ना, जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो ईमानदार होते हैं, वो एक्चुअली खेलने आते हैं। जो नहीं होते ना वो नैन मिलाते रहते हैं इधर उधर, नैन मिला जोड़ियां बन जाती है। हाँ, नैन मिलाना बहुत बहुत चलता है यहाँ पे। इनको पकड़ो, ये टेरेस है, आंखें मिलके शादी हुई है ये दोनों की। आप तो शरीफ है, आप तो खड़ी है, ये अभी भी टेरेस उधर क्यों देख रहे हैं? लेकिन my name is Rohan and I welcome you all to my travel vlogs. If you're wondering why the hell am I behaving like this, it's crazy day today. It's Makar Sankranti and we are in Ahmedabad. अगर आपने मेरा पुलाराम वाला vlog नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, because this vlog is in continuation to what we did in the morning. But anyway, शाम हो चुकी है, छत बदला गया है, crowd बदला गया है, energy वैसे की वैसी है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एनर्जी है, especially all the ladies out there. अभी मैंने चिल्लाते हुए इनको सुना, कल रात से मेरे कान बैठ गए, but that is the best thing about Ahmedabad. और जिस तरह से पतंग का महार संग्राम हो रहा आसमान में, इट्स क्रेजी। सो ऑल सेड एंड डन, सुबह हमने कोशिश की थी, हमें मौका नहीं मिला, पट्टियां लगा के घूम रहा हूं, पतंग नहीं मिल रहा है मुझे। इट्स टाइम टू फ्लाई सम काइट, इन द मीन टाइम हैव अ लुक अराउंड एंड चेक आउट द एनर्जी, शैल वी। The festival is so much more than just celebration. As I was mentioning earlier, no religion, no caste, there's no discrimination. Nobody cares what designation you hold. Everybody comes together on different terraces, or you can keep actually. आज हम लोगों ने बहुत सारे switch किए terraces, but the experience has been so fantastic. They don't know me, I don't know them, but that doesn't matter. It really doesn't matter. There's so much of apnapan here, and thank you all, ladies. अब मैं क्या बोलूं, मैं लेडीज के बीच में बहुत फेमस हूँ। सारे शौहर यहाँ पे है भाई, ऐसा कुछ करना मत। आई थिंक आई एम गोइंग टू गो जॉइन इन देम और फिर पतंग उड़ाएंगे, डांस पहले कर लेते हैं। गाने अच्छे लगे, क्या गाने के? चलो 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 लेडीज लेडीज, कीप डांसिंग। एनर्जी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज इट कंटिन्यूज नॉट जस्ट फॉर टुडे बट आल्सो फॉर टुमारो। ओके, तो कल क्या हो गया आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज टुमारो आई हैव टू लीव, बट नेवर्थलेस आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट राइट नाउ, क्योंकि आज हूँ और ये मौका आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, इफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इट, वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है दिस शुड बी इन योर बकेट लिस्ट, कमिंग टू अहमदाबाद ड्यूरिंग उत्तरायण एंड प्री उत्तरायण। मार्केट में जाइए, आप कुंभ का मेला घूम भूल जाएंगे, बराबर है? हाँ, इन्होंने मेरे को कुछ डांस स्टेप्स भी सिखा है। अच्छा चलो, अभी पते की बात, मैंने बोला बहुत सारे लोग टेरेस पे आते हैं जोड़ियाँ मिलाने के लिए, ये सही है क्या? आपकी जोड़ी टेरेस पे मिली थी? टेरेस पे नहीं थी। चलो, उनके दो बच्चों की जोड़ियाँ टेरेस पे मिली है। ये पता चल गया मुझे कि लोग इतने टेरेस पे क्यों रहते हैं। और जो लोग पतंग नहीं उड़ाते ना, जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो ईमानदार होते हैं, वो एक्चुअली खेलने आते हैं। जो नहीं होते ना वो नैन मिलाते रहते हैं इधर उधर, नैन मिले जोड़ियां बन जाती है। हाँ, नैन मिलाना बहुत बहुत चलता है यहाँ पे, ये कोई बताएगा नहीं आपको संक्रांति के वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे आओ, आपने जोड़ी टेरेस पे बनी? मेरा लव मैरिज है, मेरी जोड़ी नहीं, इनकी कहाँ गई? आपका लवर किधर है? लेकिन अरे यही है ना, मेरी 1.5 साल की बच्ची भी हो गई है अब तक। ये आपकी लड़की है? हाँ। ये फुल फैमिली प्रमोट कर रहे हैं ये मैडम। ये आपके हस्बैंड है? अच्छा, वो बट गॉड ब्लेस यू, बहुत ही कमाल की फैमिली है। अभी सबसे पते की बात, ये सब काम जाम चलते रहेगा, मेरी भी शादी नहीं हुई है। चलो अपन टेरेस देखते, जरा देखो जरा कोई है क्या ठीक ठाक। कल आओगे ना? कल आओ। कुछ करोगे आप? करोगे, सब कुछ करोगे। कैसी चाहिए, एक लिस्ट दे दो। लड़की चाहिए, अभी इस उम्र में तो ये हो गया, लड़की चाहिए भाई। हमारे लिए लड़की चाहिए? हाँ, हम दोनों के लिए। दिखा दूंगा, कैमरा लेके घूमते, लड़की नहीं मिल रही हमें।
जोक्स अबाउट, चलो आ जाओ यहाँ पे, सारे मर्द एक तरफ है तो इनके पास भी जरा, इनका भी एक थोड़ा सा लेना चाहेंगे हम। ये चश्मा जो है ना धूप की वजह से नहीं बनते, ये जो यहाँ वहाँ देखते हैं ना इसको बचाने के लिए, ये देखिए ये एक विक्टिम है हमारे साथ। सर क्या स्कोर है आपका, कितने काटी और कितनी आपकी कटी? चल ही रहा है, इन प्रोसेस है। बट यहाँ पे आज का स्कोर क्या, हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया आज? ओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक होनहार खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी। सुबह 11 बजे से नौता सुबह 11। हाँ इनकी और इनकी ये टेरेस पर दोनों मिल गए, दो दो मुंशी मिल गए, इनको पकड़ो। ये टेरेस से आंखें मिलके शादी हुई है ये दोनों की। आप तो शरीफ है, आप तो खड़ी है, ये अभी भी टेरेस उधर क्यों देख रहे हैं? लेकिन देखो भाई बोलना मेरा काम तब आगे, आप लोग देख लो। बढ़िया सब चल रहा है, अब भैया पतंग उड़ा दे, लाइट थोड़ी देर के लिए है, बातें तो चलती रहेंगी, दूसरे टेरेस पे चलते हैं। दूसरी छत पर भी लोग बड़े जोश में दिख रहे हैं। आसमान की तरफ देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान पतंगों के रंगों से रंग गया है। चारों तरफ लोग अपनी अपनी छतों पर पतंगबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों की कट रही है तो कुछ लोग काट रहे हैं पतंग, और हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है। सर जाएगी आज अपनी? हाँ जाएगी, पक्का जाएगी। वो नहीं गई तो लाइट तो गई अभी कुछ देर में, उसको जाना ही पड़ेगा। जाओ भाई प्लीज, आप दुआएं मांगो। सर मैं टेक ओवर कर लूं अभी, थोड़ा ना और ऊपर लेके जाने दीजिए। इतने पतंग, अरे हमारी पतंग कौन सी है? अरे ये क्या ये ठुमका क्या होता है? ये इसको ठुमका बोलते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अरे मेरे पिछवाड़े कटी कटी कटी, काटा मैंने एक गाय पूछे काटी है, भले वो गलती से कट गई हो कटी है। अरे पतंग किधर गई? अरे गई पतंग, पतंग कट गई, पतंग का है। ए, मेरे को नहीं खेलना है यार ये गेम। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था वैसे वैसे पतंगों का रंग आसमान पर चढ़ रहा था। कमाल का दिन रहा दोस्तों, मतलब कल रात से मैंने इतना एंजॉय, आई वुडंट बी रॉन्ग इफ आई से मैंने इतना एंजॉय अहमदाबाद में आज तक किया नहीं, एंड ऑल थैंक्स टू दिस गाय। ये यही है वो शख्स। थैंक यू स्नेहा। हम ही है वो शख्स। एक मिनट वेट करो। अरे रात हो गई, रात में चश्मा। व्हाट इज द प्रोग्राम एट नाइट? बारबेक्यू होगा, खाना खाएंगे अच्छा सा, वेजिटेरियन बारबेक्यू, वेज बारबेक्यू। ये देखो ये नॉन स्टॉप आप तक, जो YouTube के ऊपर देखने वाले सारे हमारे फॉलोअर्स को बता दो कि ही इज द रियल मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, इनकी आइडिया थी इसलिए मैं हूँ। बट व्हाट अ ग्रेट टाइम, एंड हमें ये भी पता चल गया था कि यू नो इट वाज टाइम टू रीच आउट टू द मासेस, तो हम आ चुके हैं YouTube पे। अब ये आप बोल नहीं सकते कि आप टीवी पे नहीं आते, हम आपका शो नहीं देख सकते। प्लीज सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया है तो, एंड इफ यू लाइक अ कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो। त्योहार को मनाने सबके अपने अपने अलग ढंग होते हैं, और यहां इन दीवानों को तो देखिए। ये
इतना भयानक डांस मैंने आज तक नहीं देखा कभी। धीरे धीरे शाम ढल रही है, आसमान का रंग गहराता जा रहा है, लेकिन त्योहार के कुछ और रंग अभी भी बाकी है। मैं पहली बार उत्तरायण पर यहां आया हूं और ये खूबसूरत अनुभव जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। यहाँ पे दिन खत्म ही नहीं होता है। पतंग उड़ाने के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, हर कोई अपने अपने टेरेस पे आता है, खाना बनाता है, सब लोग एक साथ खाते हैं और ऐसे ये दिन खत्म होता है। और माइंड यू इसकी प्रिपरेशन 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। सो टुडे वी हैव कपल ऑफ बारबेक्यू डिशेस, एवरीबडी पार्टिसिपेट्स इन सम वे और द अदर एंड दे क्रिएट समथिंग एंड एवरीबडी एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशन दे कम दे हैव फन दे ईट मेरी मेकिंग सब कुछ होता है। और आज मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि इस छोटे से सोसाइटी का हिस्सा बनने का। स्वीट पोटैटो एंड मशरूम, मशरूम एंड स्वीट पोटैटो, पनीर एंड बेबी कॉर्न एंड यू विल ऑलवेज फाइंड समवन टू सर्व यू। आप सिर्फ एंजॉय करो। हां जी हां जी, दिस इज पोटैटो। थैंक यू स्वीट पोटैटो, आई थिंक दैट विल बी एनफ, थैंक यू वेरी मच। पनीर हां ले लिया मैंने, थैंक यू। अरे बस बहुत हो गया, मुझे और भी खाना है, थैंक यू। थोड़ा बहुत ही जोश में है सब लोग, एक अच्छा ना खा ले। हाँ सर, बेस्ट थिंग ऑफ गुजरात, गाजर का हलवा, दिस इज माय मील फॉर उत्तराखंड, गाजर का हलवा, बेबी कॉर्न, बेसिकली बारबेक्यू स्टफ, एंड देन यू हैव दिस नाइस ग्रीन चटनी, यू हैव पापड़, एंड देन इफ दिस इज नॉट इनफ देन परहैप्स यू कैन गो फॉर वन मोर कोर्स व्हिच इज पाव भाजी। पाव भाजी मैं बॉम्बे में बहुत खाता हूँ, तो ये खा के देखो, बहुत मजा आ रहा है बॉस। मजा आ गया, क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप किसी व्लॉग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप पुराने जो है थोड़ा सा पीछे जाइए, क्योंकि हमारी जर्नी जरूर देखिएगा कि अहमदाबाद में कैसी हुई है, हम कैसे आए और यहाँ पे हमने पिछले रात को क्या किया था और आज सुबह क्या किया है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मजा आई है यहाँ पे। और दिस इज द अहमदाबाद, आई बीन ट्रैवलिंग इंडिया फॉर सम इयर्स नाउ, फ्यू इयर्स नाउ, बट आई हैव नेवर सीन अहमदाबाद लाइक दिस। एंड आई थिंक सही जगह पे सही टाइम पे आप जाओ ना तो आपको सही चीज मिलती है, वो बहुत जरूरी होता है। और मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ अहमदाबाद में, बहुत मजा आ रहा है। और अभी तो हमने शुरुआत की, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। वी हैव एंजॉयड टुडेज व्लॉग, प्लीज फॉलो सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, हमारा जो है हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पसंद आया तो भी बताइए, ना पसंद आया हो तो भी बताइए कॉमेंट करके हमें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दिस इज रोहन साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब फॉलो शेयर, बाय। मैं कई दफा जब भी अहमदाबाद आता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट टू कम टू द रिवर फ्रंट, जस्ट सिट रिलैक्स एंजॉय। यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है आपको, चलिए सबसे पहले इस ब्रिज से शुरुआत करते हैं। दिस प्लेस इज इनसेनली क्राउडेड, मतलब मुझे डर लग रहा है ये ब्रिज के ऊपर चढ़ने का। जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे।